दोस्तों, अगर किसी भी पर्टिकुलर जगह पे या फिर किसी भी पर्टिकुलर देखिएगा कॉन्फ्लिक्ट में आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कमज़ोर करते हो तो आप उस चीज़ को समझौते में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आप सभी जानते हैं। इसी तरीके से होता है किसी भी वॉर में अगर आपको देखिएगा एक व्यक्ति को झुका के उसे समझौते के लिए मजबूर करना है तो आपको उसको सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप उसको कंटिन्यू सपोर्ट भी कर रहे हो, कंटिन्यू उसके साथ भी खड़े हो, तो वो झुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे साथ मेरे दोस्त खड़े हुए हैं। आपको भी पता है कि जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो हमारी ऐठन अलग होती है, और जब दोस्तों के बिना होते हैं तो एक्चुअल में हम लोग देखिएगा चांटा खा के आते हैं, ना कि चांटा मार के आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यूएसबी पूरी तरीके से कंफर्म कर चुका है कि वो नहीं चाहता कि ना तो इजराइल हमास का युद्ध रुके, ना तो रशिया यूक्रेन का युद्ध रुके, और अगले हफ्ते के बाद हो सकता है फिर से आपको इजराइल और ईरान की तरफ से फिर से कोई देखेगा न्यूज़ आते हुए देखने को मिले। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको आप वीडियो के अंत तक कंफर्म कर लेंगे, और आप अपना साइकोलॉजिकल लेवल माइंड भी लगाइएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे यूएस हाउस ने, अगर आप देखेंगे हमारी संसद किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को सपोर्ट कर रही है और वहाँ से आपको मदद प्रोवाइड करी जाती है, तब जब इसराइल ने आपकी बात नहीं मानी, आपने कहा था कि हम ईरान से अगर आप कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो हम आपका साथ नहीं देंगे और हम आपसे बिल्कुल दूरी बना लेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूएस हाउस ने अप्रूव कर दिया है एड पैकेज, यानी कि हेल्प का पैकेज $1 बिलियन का इसराइल के लिए भी और यूक्रेन के लिए भी। बहुत शॉकिंग है ये, आप देख सकते हो। और ये मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पे, पूरी तरीके से जहाँ पे फंड की कमी है यूएस देश में इस समय। अगर आप देखेंगे वहाँ बिल के लिए लड़ाइयाँ चल रही हैं कि शटडाउन ना हो जाए, तो आप देखेंगे वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में वो नेक्स्ट वीक ये बिल अप्रूव करा के पास कर देंगे, ऐसा कहना है जॉय बाइडेन का। अब आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से उन्होंने साइन कर दिया है बिल। अब अगर आपको ये पता है कि इजराइल अगर लगातार लड़ता रहेगा तो क्या ईरान शांत बैठेगा, और अगर आपको इजराइल को शांत करना है तो आपको क्या उन्हें मदद देनी चाहिए? अगर आप उनकी मदद करते रहेंगे, कंटिन्यू पैसा प्रोवाइड करते रहेंगे, कंटिन्यू हथियार प्रोवाइड करते रहेंगे, तो क्या वो कहेंगे कि नहीं नहीं हम नहीं लड़ेंगे? जबकि उस देश का जो पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर है उसके खिलाफ जनता को रोष भी है, और अगर वो इलेक्शन हो जाए तो उसकी पॉसिबिलिटी भी सबसे कम है, तो वो क्या चाहेगा कि मैं युद्ध को रुकवा कर इलेक्शन कराऊं और फिर करप्शन के जो आरोप हैं वो मेरे ऊपर सिद्ध हो जाएं, ऐसी चीज़ें जो उनके ऊपर आती रही हैं। तो आपको भी पता है कि ये युद्ध ड्रिफ्ट लेने वाला है, डिफरेंट डायरेक्शन में लेने वाला है, क्योंकि अगले हफ्ते ही इतना बड़ा देखिएगा पैकेज पूरी तरीके से पास कर दिया गया है $95 बिलियन का। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये चीज़ पूरी तरीके से ईरान के लिए, यूक्रेन के लिए, ताइवान के लिए दी जा रही है, जो टॉप देखेगा टॉप दुश्मन है किसके, आपको पता है अमेरिका के, यूक्रेन, रशिया, इजराइल, ईरान और ताइवान, चाइना। तो आप समझ सकते हैं कि यूएस कहीं से भी नहीं चाहेगा, किसी तरीके से भी नहीं चाहेगा कि युद्ध रुके। तो आप देख सकते हैं, अब आगे मैं बात करता हूँ। आगे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे पूरी तरीके से ये जो कन्फर्मेशन आ रहा है जॉय बाइडेन की तरफ से आ रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से ये एड पास कर दिया गया है, और ये चीज़ जो है यहाँ पे बाइडेन नेक्स्ट वीक पूरी तरीके से पहुँचा भी देंगे। अब आपको पता है कि ईरान ने हमला इसराइल पर क्यों किया था, क्योंकि वो हमास को चोट पहुँचा रहा है। इस एड का यूटिलाइजेशन क्या करेगा, क्या अपने क्रिकेट स्टेडियम बनाने में करेगा इसराइल? नहीं। आपको भी पता है इस एड के आने के बाद, ये देखिएगा, थैंकफुल किया है, थैंक करा है अमेरिका को थैंक करा है नेतन्याहू ने कि उन्होंने $26 बिलियन प्रोवाइड करे हैं इसराइल को, तो वो इसका यूटिलाइजेशन करेगा हमास को और चोट पहुँचाने में। तो जब पहले ईरान यही कह रहा है कि हमास का युद्ध रोको और वो जब नहीं रुकेगा तो क्या दोबारा ईरान शांत बैठ जाएगा?
बिल्कुल भी नहीं, ये अभी की रिपोर्ट है। इस तरीके से यहाँ बॉडी फाउंड हो रही है, इस तरीके से गाजा में स्थिति बनी हुई है। और आपको पता है कि यहाँ पे पूरी तरीके से ये जो एयर स्ट्राइक क्रैकडाउन है, फियर ऑफ वॉर अभी भी बना हुआ है। जितना ज़्यादा आप देखिएगा सपोर्ट रखोगे इसराइल को, उतना ज़्यादा वो ये कहेगा कि हम युद्ध नहीं रोकेंगे। और जब युद्ध नहीं रुकेगा तो ईरान फिर से हमास के लिए सामने खड़ा होगा और इसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो क्लियर है ये कि युद्ध तो नहीं रुकने वाला है। जितने भी लोग कह रहे हैं कि काम डाउन हो गया, ईरान ने एक्चुअल में ड्रोन दागे क्यों थे हमास के लिए? जब हमास से युद्ध रुकेगा ही नहीं तो ईरान फिर से देखेगा कोई ना कोई एक्शन लेगा, जिसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझदार हैं। राम राम।